Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहां है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. बेस्ती कराने तो ये दो सौ देखिए ना, 200 दे दिया, 80 वापस लौटा माता जी, ठेला घर से लेकर आना, ठेला आटा चाहिए 200 कोरोना की महामारी में जब से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की है, जनता को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए हमने अजमेर उत्तर में जनता रसोई का काम शुरू किया है, जिसमें आज विभिन्न वार्डों के लगभग 3,500 पैकेट सत्यम पैलेस में बना करके और अलग अलग वार्ड पार्षदों के माध्यम से हमने वार्डों में वितरित हो रहे हैं, जिसके कारण से दिहाड़ी मजदूर या जो डेली कमाते थे और खाते थे उनको इस प्रकार की राहत हमारे जनप्रतिनिधि के माध्यम से दी जा रही है और साथ में उनको सस्ते मूल्य पर सामग्री मिले, इसके लिए आज से हमने पुलिस लाइन में प्रत्येक व्यक्ति को 160 रुपये वाला जो 5 किलो का है आटा वो 100 रुपये में और आलू 30-35 की जगह 20 रुपये में वो हमने व्यवस्था की है, आज कई लोगों को वहाँ पे वितरित हो रहा है। इस प्रकार से सस्ती सामग्री मिले और गरीबों को भोजन पैकेट मिले इसकी व्यवस्था की। अभी कलेक्टर साहब से मैंने कुछ समस्याएं थी, निवेदन किया कि शहर के निगम के क्षेत्र में तो ये हो रहा है, लेकिन जो आसपास का ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें पंचायतें हैं वहाँ सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं, पंचायत समिति नहीं कर रही है और साथ ही वहाँ के लोगों को नहीं संभाल हो रही है, तो उसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया है कि उसकी समस्याओं को वो समाधान करेंगे, जिसमें लोहागल है, माकड़वाली है, हाथीखेड़ा है, बोराज है, रावत नगर है, यहाँ के लोग परेशान थे, मेरे पास लगातार फ़ोन आए वो इनको मिलता है। इस तरह पलटन बाज़ार भी किसी वार्ड में नहीं आता, तो पलटन बाज़ार के लिए व्यवस्था करने के लिए मैंने आग्रह किया है और साथ में लोगों को ये पैनिक न हो इसके लिए भी लोगों के साथ संवाद लगातार बनता रहे, इसका मैंने उनसे निवेदन किया है। कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया भाई? मेरा नंबर जो है ना, एक तरह हेल्पलाइन मैंने जारी किया है, उस हेल्पलाइन से मेरे पास लगातार आ रहे हैं और मैंने सबसे आग्रह किया है कि इस महामारी में अपने घरों पर रहें और घरों पर रहते हुए जो कुछ भी उनकी दिक्कतें हैं वो हमको बताएं, हम उनकी समस्या का समाधान करेंगे ताकि हमारे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए और इस कोरोना को हम हराएंगे और भारत जीतेगा। ऐसी कोई शिकायत देखने को मिली है भाई साहब, जो खाने के लिए कर या देखो कुछ काला बाजारी या काला बाजारी की लगातार शिकायतें कल तक आ रही थी, आज तो नहीं आई, को लगातार जो मेरे पास शिकायतें आईं ऐसे 8-10 स्थानों से आईं, मैंने एसपी साहब को व्हाट्सअप किया और यहाँ के ग्रीवेंसेस को भी एडीएम फर्स्ट को भी लिखवाया, तुरंत कार्रवाई हुई है, उस पर काफ़ी कुछ अब सुधार होने लगा है। इस समय मैं व्यापारियों से भी अपील करूँगा कि संकट के समय वो कालाबाजारी न करें, उल्टा लोगों को सही मूल्य पर दें, जो यही राष्ट्र की सेवा होगी, नहीं तो एक तरह से ये काम कालाबाजारी करना देशद्रोही के समान होगा। नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकेंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य
एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7804-6। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।